पाने याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरे अमर कहानी। साकार वाले दिन वो प्यारे हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आई घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी। हो निराकार साकार हुए गूंजे मुख से शिववाणी, साकार कर दिखाया। शिव बाबा याद है क्या, याद से याद दिलाया। कथने करने एक करे ये करके हमें सिखाया, जीवन जीने की कला को जी कर हमें बताया। हम देव कर्म से बने देवता, तुमसे जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा, कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा। साथ बीते दिन वो प्यारे, वो जमाना याद है, दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना, दृष्टि से सृष्टि बदलना, झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना। मीठी मुरली का सुनाना, अमृत रस का घोलना, प्रभु प्रेम के हिंडोले में हम बच्चों का डोलना। एक अलौकिक सुख पाए हम बन दे याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना, वो दिन सुहेज वाले हाथों से वह खिलाना, बच्चों को गोद में ले अशरीरी वो बनाना, वह खेलना खिलाना, वो सैर कराना। हमने देखा भागीरथ को, विनम्र मूर्ति महान को, आया था जिस तन में भगवन, ईश्वर के वरदान को, उस ईश्वर के वरदान को। हर काम के शांति सिस्टर जयंती। ओम शांति अरुणबेन। सो ओम शांति जयंती बेन, ओम शांति अरुणबेन। डेफिनेटली अराउंड हियर एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। लगता है कि ब्रह्मा बाबा हमारे आसपास ही है, कितना प्यारा सॉन्ग था जो हमने सुना अभी। एंड जस्ट वेरी क्विकली आई थॉट टू शेयर व्हाट आई नो, जो उन्होंने उसके उनके जीवन को जैसे हमारे सामने रखा इस गीत ने, ब्रह्मा बाबा के बारे में जो मैंने नोट किया, मैं जो लास्ट मोमेंट की जो बातें थी वो मैं शेयर करना चाहूंगी। जो उन्होंने मुरली जो उन्होंने दादी कुमार का को कहा कि जल्दी सबको जल्दी खिलाओ और रात को जैसे जल्दी डिनर करवाओ, क्योंकि ताकि बाबा मुरली सुनाएंगे रात को,
तो दादी कुमार का ने अरेंज किया, सबने जल्दी डिनर किया किया, हिस्ट्री हॉल में जाके बैठे, बाबा ने क्लास करवाई। और उस समय फिर बाबा जब खड़े हुए जाने के लिए, तो बाबा ने कहा ना बच्चों को अलविदा, पहले कभी नहीं कहा था, लेकिन आज, पहले गुड नाइट ही बोलते थे लेकिन आज अलविदा भी कहा। तो ईशु दादी जो है अपने कमरे में उनको लेके गई बाबा को, ईशु दादी को कहा मुझे कुछ दर्द है ऐसे। जमुना प्रसाद भाई भी थे वहां पे, तो उन्होंने भी सुना इस बात को कि बाबा को कुछ दर्द है। हिस्ट्री हॉल से अपने कमरे में जाते हैं ना, बाबा को दर्द था। जब वो अंदर गए तो जैसे कि जैसे बेहोश जैसे होने को थे, जैसे ब्रह्मा बाबा। तो विश्वरतन भाई थे, दादी कुमार का भी थे। संदेशी दादी ने एक हाथ पकड़ा और जैसे कि उनको कैसे लिटा दिया बेड पे, और सेकंड्स में ही 9 बजे के आसपास बाबा ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ, तो डॉक्टर को बुलाया, वो बिजी था। और फिर विश्वरतन दादन ने जमुना प्रसाद भाई को भेजा साइकिल पे, और एक ही डॉक्टर था बस, वो गए वहां पे, डॉक्टर को बुला के लाया। जब उनको लेके आए तो उनको कहा कि वो बस आखिरी था, वो उनका जो लेक्चर दिया कि बाबा चले गए हैं, शरीर छोड़ दिया है। फिर दादी कुमार का ने संदेशी दादी को ट्रांस में भेजा कि क्या हो रहा है भाई, बताओ क्या हुआ। तो मैसेज जो बाबा ने भेजा कि चीज हमारे पास आ गई है, तुम पुरुषार्थ करो। पता नहीं कैसे आप इसको ट्रांसलेट करोगे चीज को इंग्लिश में, इसलिए कहा वो चीज बाबा ने कहा ना, बस आ गई है, अभी आप पुरुषार्थ करो, चिंता नहीं करो, मेरे पास आ गया है। तो आप लेकिन जैसे कि उसके बाद ही फिर बाबा को जैसे मृत घोषित किया, जैसे भोग मैसेज में ये भी बताया, बाबा को जैसे बताया था ना, जैसे बाबा को ना तीन तरह का, जैसे एक बहुत ज्यादा तीनों तरफ से जैसे वो खींचाव था, शिव बाबा खींच रहा है, एक तरफ बच्चे खींच रहे हैं, एक तरफ कर्म भोग खींच रहा है शरीर, तो लेकिन अंत में किसने खींच लिया, शिव बाबा ने अपनी ओर खींच लिया। कितनी प्यारी बाबा की, एक तरह से हम कहेंगे इतनी हमें प्रोत्साहित करने वाली स्टोरी है, बहुत टचिंग स्टोरी है। कुछ हम कुछ एक रिट्रीट है, हमें उसके बारे में कुछ हम प्रोग्राम बना रहे थे कि बाबा की कहानी इतने दिल को टच करते हैं। मुझे तो लगता है मैं जरूर जरूर मैं बाबा के साथ थी, जरूर मुझे लगता है मैंने कुछ पार्ट प्ले किया है। थैंक यू दीदी, आप बहुत बिजी हो। एक मुरली अभी दीदी ने खत्म की है वेस्ट कोस्ट के साथ, और हमारे साथ एकदम दीदी हमारे साथ आ गई। थैंक यू दीदी। जो भोग मैसेज जो मैंने सुना, दादी गुलजार को फोन किया गया और वो आई अगले सुबह सुबह, जैसे वो आ गई क्योंकि ट्रेन थी ना रात को, तो उसमें दादी आ गई। तो अगले दिन ही दादी जैसे गुलजार आ गई, तो एकदम शिव बाबा के साथ जज चेक कर रहे थे, फिर उसके अनुसार ही सब कुछ हुआ। फिर और 13 दिन तक लगातार भोग लगाया गया, और कभी कभी बाबा आ जाते थे। बाबा कई बार वो डिटेल मैसेज देते थे, और एक बार दादी गुलजार को कहा, बाबा को कहा, बाबा के अंत में बाबा का क्या विचार था। फिर दादी ने बाबा से पूछा, बाबा ने स्माइल किया और कहा, लौकिक में तो कोई अपने बाप को ऐसे सवाल नहीं पूछेगा कि अंत में क्या चल रहा था, लेकिन फिर बाबा ने तीन तरह की चीजें बोल कि एक कर्म भोग चल रहा था ना शरीर का, और कर्म योग था। बाबा के चेहरे पे वो दुख दर्द था, जैसे दर्द था लेकिन चेहरा जैसे बिल्कुल शांत था एकदम। जो मैंने भी जब देखा, जब आबू में मैं आई,
20 की तारीख को मंडे की मॉर्निंग थी, 20 जनवरी, और 21 को बाबा का अंतिम संस्कार हुआ, जो कर्म भोग और कर्म योग के बीच में, जो तो आपको पता है कर्म योग की विजय हुई। और दूसरा था बच्चों की, जो बच्चे जैसे सारे बच्चे बाबा को खींच रहे हैं अपनी तरफ। और तीसरा था, एक तीसरा विचार कहता है, बाबा अगर आप मुझे चाहते हो तो मैं आने के लिए तैयार हूँ, अगर आप चाहते हो मैं यहीं पे रहूँ तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है हम में से कितने लोग हैं जो तैयार रहेंगे जब बाबा बुलाएगा तो। और जब शरीर बीमार है, 93 ईयर के हैं बाबा के शरीर, बीमार था शरीर, कितना दर्द था, तो हम क्या कहेंगे बाबा को मैं रहने के लिए तैयार हूँ। तो बहुत चुनौती भरी बातें हैं ये। ये। जब फिर बाबा को दोनों ही बातें बोली कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं रह जाऊं ठीक है, अगर बुलाना चाहते हो मैं तैयार हूँ, तो बाबा की जैसे कि ये एक निश्चय और एक बाबा का समर्पण शो करता है। बहुत प्यारी स्टोरीज है ये। मुझे बहुत मेरा भाग्य है कि मैंने बाबा को पहचाना 1969 मई में, मई में मैंने अपने आप, मैंने अब समर्पित किया। तो बाबा उस साल में 3 बार बाबा से मिली, 68 में, 68 में, और उसके बाद बाबा चले गए। ये बहुत स्ट्रेंज है कि 93 की एज में कि हम और तैयार हो सकते थे, लेकिन ये बहुत सबको गहरा विचार था कि हम सब साथ में ही जाएंगे ना, बाबा तो जा नहीं सकते, पहले सब यही सोचते थे। और उस समय की जो साकार मुरलियां हैं, मैं मंडे की मुरली पढ़ रही थी, डेट याद नहीं, लेकिन बाबा साकार मुरली में बहुत क्लियरली बाबा ने कहा है कि ये प्रजापिता है, और ये इसमें कर्म कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन जब आत्मा कर्मों का हिसाब किताब क्लियर कर देती है तो वो अव्यक्त फॉर्म ले लेती है, तो अव्यक्त बन जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं। तो बहुत स्पष्ट बाबा ने इस मंडे की मुरली में कहा। तो हम कोई इशारा नहीं, हम इशारा जो है नहीं देखते, हाँ, तो बाबा दे रहा है। बस ऐसे दादियां भी बाबा को कितने करीब से जानती थी, उन्होंने भी इस सिग्नल को, इशारे को नहीं पकड़ा। उनको लगा कि बाबा अकेला चला जाएगा, देखो, और उनके सोचा नहीं था कि यज्ञ उनके भरोसे रख के बाबा चले जाएंगे कभी। लेकिन बहुत अलग तरह का माइंडसेट था उस समय कि एकदम बाबा चले गए, बहुत एकदम अचानक का पार्ट था वो सबके लिए। जब मैं 2 बजे सुबह उठ के बैठी, जब बाबा की खबर मिली मुझे, मैं 2 बजे मेडिटेशन में बैठी सुबह उठ के, तो मुझे खुद को याद दिलवाना पड़ा था कि मैं शिव बाबा को मैंने समर्पित किया है खुद को, ना कि ब्रह्मा को। ये शिव बाबा का यज्ञ है, ये शिव बाबा के द्वारा स्थापित किया गया है, ब्रह्मा बाबा इसका पार्ट थे। लेकिन साकार मुरली में कहा है बाबा ने कई बार, अगर ये चला जाता है तो भी यज्ञ जो है शिव बाबा का ही है, यज्ञ चालू रहेगा। जब मैं वो सेंटेंस पढ़ती हूँ कि ये जब चला जाएगा, तो भी मुझे लगा नहीं था कि जाने का मतलब सचमुच में ऐसे जाना होगा। मुझे ये सवाल था कैसे, कि कैसे ये बाबा जा सकता है। मेरे मन को मैंने इतना आगे नहीं लेके गई कि बाबा इसके जाने की ऐसे बात करें कि सचमुच चला जाएगा। तो बदलाव का जो समय था थोड़ा बहुत अलग अलग था, बहुत ज्यादा ऐतिहासिक था वो समय। और दूसरा ऐतिहासिक जो समय था, तब दादी गुलजार चली गई, मार्च 11 मार्च 2021 में। तो सच में वो दूसरा चैप्टर जैसे क्लोज हो गया। 2018 2018 में दादी चली गई थी, जनवरी में ना मुंबई चली गई थी।
और सबको लगता था कि हाँ वापस आएगी वापस आएगी, सब सोचते थे, लेकिन लेकिन एक दादी जान की चली गई मार्च 2020 में। तब तक मुझे लगता था कि दादी गुलजार तो नहीं आएंगी शायद, वो कोविड का समय था, लेकिन कि मुंबई से ही चली जाएंगी वो सोचा नहीं था, अबू में भी नहीं आएंगी, वो बहुत बड़ा आश्चर्य की बात थी। तो सच में जैसे दूसरे एक इरा का युग कांत हो गया, जैसे कि एवं अलग समय में जी रहे हैं अभी हम, जहाँ भी जो बाबा ने जो हमें बताई है साकार और अव्यक्त मूल्यों में जो बातें कही हैं आज तक, वो सारी उनको हमें अभ्यास करना है उनका। और मैं देखती हूँ कैसे ये साकार मूल्य मैंने बहुत बार पढ़ी है, मैं जो देख अव्यक्त मूल्य भी पढ़ते हैं सब पढ़ी है, लेकिन रजिस्टर नहीं की बात की कि मुझे क्या करना है, कि दादियों के लिए है, दादी कर रही हैं। दादी जान की कहती थी अव्यक्त मूल्यां मेरा आईना है, कि मुझे देखना पड़ता है कि जो मुझे कह रहे हैं बाबा कहाँ तक कर रही हूँ मैं उसे, और मुझे कि हाँ बड़े हैं ठीक है वो सब कुछ कर रहे हैं बस ठीक है सब ठीक है, लेकिन अब हम सभी ने वो जिम्मेवारी ली है कि बाबा के हम जैसे कि हैंड्स हैं, बाबा के हम चेहरा है पैर है और सब कुछ, हम सभी वो जिम्मेवारी अब शेयर करते हैं आपस में, कि संसार में भगवान को प्रत्यक्ष करना है हम सभी, हम अपने स्वयं के परिवर्तन से भगवान को प्रत्यक्ष करना है। जब 18 जनवरी आती है जैसे स्टोरी टाइम होता है कि कहानियां सुनते हैं हम, फ्रेश अव्यक्त मुरलियां 18 जनवरी को फ्रेश अव्यक्त मुरली जब मिलती थी, जब अव्यक्त बाप दादा जब आते थे ना 18 जनवरी को, तो आते ही थे 2017 तक आते थे, तो हर साल बाबा आते थे और तो एक फ्रेश मुरली मिलती थी, एक ताजा सा कुछ एक पॉइंट मिलता था कि उस दिन के लिए बाबा कुछ बोलते थे, कुछ कहानियां भी होती थी, कहानियां जरूर कुछ बताते थे बाबा, पास्ट की जो यादें जो कहानियां जो चित्र, तो बहुत इमर्ज होके आती थी मन में और बहुत शक्ति मिलती थी। और जो अव्यक्त जो इशारे आते हैं, मैं बहुत मुझे खुशी होती है कि मधुबन में कितना ज्यादा, मधुबन में जो है कितना ज्यादा एक तरह से पुरुषार्थ किया जाता है, कि अलग अलग मूल्य हमारे पास भेजे जाते हैं और किस तरह से अव्यक्त इशारे भेजे जाते हैं अलग अलग प्रकार से उनको रख के लिख के। अगला अगर आज के अव्यक्त सिग्नल को देख के अव्यक्त इशारे को देख के हम मेडिटेशन में इसे बैठते हैं, ना दो तीन इकट्ठे आपस में बैठते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो सिर्फ दो सेंटेंस नहीं बोलते ना, दो तीन जब मिलके आपस में शेयर करते हैं तो कितना बहुत अच्छा सीन जैसे था आज दीदी बता रहे हैं कि हर कोई अपना अपना बता रहे थे सबकी, कि मैं सच में खुशी है कि एक गिफ्ट मधुबन से हमें मिला यह अव्यक्त इशारे का, कि हर रोज का जो कितना तरीके से ना बाबा ने आज का ना जैसे सिर्फ शरीर नहीं दिखाई दे आप, इस तरीके के जो हमें प्रैक्टिस अभ्यास के लिए हमें होमवर्क मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है कि बाबा की मूल्यां अभी के लिए हैं, जो बाबा जो बात कर रहे हैं शुरुआत में स्नेह की शक्ति, बाबा तो प्रेम का सागर है, कि बाबा बता रहे हैं कि प्रेम में किस प्रकार से लवलीन बाबा रहते हैं, और उस प्रेम में शक्ति है, माया दूर से देखती है दूर रहती है, लेकिन लेकिन ऐसा भी नहीं कि माया आए और दूसरे की सूली को कांटा बना देने, कांटा भी खत्म हो जाता है दूर दूर से, लेकिन जो बाबा ने कौन सा चित्र यूज किया है इमेज शंकर का, बाबा ने कहा कि वो नहीं जो लेकिन ही जो कुछ है हमें वो है, लेकिन शंकर वो नहीं जो भक्ति में है, जब आपका तीसरा नेत्र खुलता है तो सत्यता की जो
नेत्र खुलते हैं तो आप सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से देख पाते हो और उसको आपकी शक्ति मिलती है करने की। लेकिन आप जब थोड़े थके हुए हैं और आंखें थोड़ी पलक झपने झपकने लगती है तो माया देखते, अच्छा ये तो कमजोर है। जो भी आपकी कमजोरी है तो वो माया के लिए जैसे वो एक निमंत्रण है, आपकी कमजोरी माया के आने का निमंत्रण है। तो बहुत स्पष्ट है ये कि इसी प्रकार से होते हैं, जब एक विशेष जो हमारी कमी जो है, बस वही कमी जो है, वो अगर मैं उसको अलाव करूं बस माया तो आ जाती है फिर, और हर तरह के फिर हमें इल्यूजन क्रिएट करती है बहुत सारे, जैसे एक मृग तृष्णा जैसे। और फिर अगर भगवान के प्रेम जैसे लवलीन है, मैं बाबा को देखूं, बाबा के शब्द मेरे मन में गूंजते रहें, बाबा के ज्ञान में सुना हूँ सबको अपने होठों से, जब भगवान मुझे पता है कि मुझे क्या सत्यता सत्य है, इन सब बातों से मैं जैसे सुरक्षित हूँ। अगर मुझे ये टेंशन कम हो जाता है, फिर जो जो बाबा ने एक टायर्डनेस, ये जो है ये फिजिकल टायर्डनेस, ये शारीरिक नहीं है, हम अंदर अपने ही संस्कारों से लड़ने से हम हार जाते हैं या फिर हम थक जाते हैं और हम दूसरों से हार्श टोन में बात करते हैं। अंदर जो एक है ना असंतुष्टता है, उससे अंदर वो दुख पैदा होता है, एक भारीपन आता है अंदर। बाबा ने दो शब्द यूज किया है व्यक्त मूल्य में, संबंध और व्यवहार। संबंध और व्यवहार, व्यवहार आपका व्यवहार दूसरों के साथ, आपका व्यवहार और संबंध, संबंध और व्यवहार। अगर मुझे, मैं अंदर असंतुष्ट हूँ, जो मेरे जो जबान के जो तेज तर्रार जो होते हैं ना, जैसे दूसरों को दुख देने वाले बोल हम बोलते हैं, जबान बहुत तेज होती है, तो माया जो है वो एंट्री पॉइंट ढूंढ लेती है, इसकी एक कमी है, ठीक है, तो एंट्री पॉइंट से दरवाजा खुल जाता है कि हाँ, तो बहुत सारी वीकनेसेस का दरवाजा खुल जाता है कमियों का। इसलिए बहुत जरूरी है कि बाबा का प्यार का लगातार अनुभव करते रहना, बस बाबा के प्रति वो धन्यवाद का भाव, मुझे बाबा मिल गया, तो इससे अच्छी अच्छा जीवन हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी मेरी कमियां हैं, जो जहां भी हम जाते हैं, हम अपनी कमियां साथ लेके जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि दूसरी तरफ सब अच्छा है, नहीं कि दूसरी तरफ घास हरी है ज्यादा, नहीं ऐसे नहीं सोच सकते। मेरे संस्कार मेरे साथ ही है, उनको सुधारने में बाबा बात करें कि मेरा क्या विजन है, दृष्टि है, मेरी वृत्ति क्या है, क्या मेरी वृत्ति जो है व्यर्थ है। बाबा ने पत्नी डिटेल में बताया कि जहाँ ऐसी सिचुएशन है जिसने मुझे कोई दुख दिया है, जिसने दुख दुख देने वाला कोई है, और कोई कोई बहुत किसने कुछ ऐसे धोखा दिया है, तो मेरा क्या उसके प्रति प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मेरी प्रतिक्रिया होनी चाहिए बस प्रेम की और सहयोग की, कि हाँ हाथ पकड़ के। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि सच में उनका हाथ पकड़ना है, लेकिन उनको आध्यात्मिक सहारा देना है, कि हमेशा ही प्रेम देना है लोगों को। ये बहुत इंटरेस्टिंग थी, संडे को ये बात पढ़ी तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मंडे को मैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में थी, बहुत मुश्किल हालत में थी उस दिन मंडे को, कि हम मैंने संडे को मुरली पढ़ी, इसने मुझे तैयार किया सच में। बहुत सारे जैसे कि ऊंचे से लोगों के साथ थे, हाई पावर जिनके पास होती है, मुझे पता है कि वो खुश नहीं है, वो बिल्कुल असंतुष्ट नहीं है,
उनका व्यवहार, उनके कर्म ठीक नहीं था, लेकिन मेरे को मेरे मन से वो सब निकालना पड़ा मुझे। बस मुझे वो प्रेम, बाबा आप इंचार्ज हो, आप, मैं पास्ट का कुछ नहीं रखूंगी, मैं अपना मन बहुत जैसे कि माइंड खुला रखूंगी, मन खुला रखूंगी, आपको जो चाहिए वो आप ले लो। बहुत बहुत जैसे कि तैयारी हुई वो मेरी उससे मिलने की, उस मुरली से। तो माया, जैसे कि माया से जैसे मैं ऊपर उठ गई, वो दूसरे कुछ भी कह रहे हैं कर रहे हैं उसका फर्क नहीं पड़ा। तीन और भी थे वो, जैसे कि एक ही नहीं कई थे। और बाबा ने फिर बात की ना, जब आप एक एरोप्लेन में होते हो, जितना हवाई जहाज ऊपर ऊपर जाता है तो क्या होता है, सबसे ऊपर जब आप चले जाते हो तो नीचे जो बादल हैं नीचे रह जाते हैं, आप तो ऊपर हैं, बादल तो नीचे हैं, परिस्थितियों के बादल। तो उस अवस्था में तो बाबा ने बहुत ज्यादा उमंग उत्साह की बात की। बाबा ने कहा ना, बच्चों का ऑक्यूपेशन, उसका धंधा ही क्या है। हाँ, ब्राह्मण का ऑक्यूपेशन क्या है, धंधा क्या है, बाबा बहुत यूज करते हैं ये। बाबा बहुत बार कई तरीके से बाबा ने काम के धंधे की बात की, तुम्हारा धंधा ही क्या है। तो बाबा कहते हैं कि अगर मैं अपना उमंग उत्साह बाबा के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए, बाबा के कार्य के लिए रखूं, उमंग उत्साह, तो मैं सारी परिस्थितियों के रूपी बादलों से ऊपर उठ सकते हैं और दूसरों को भी मदद कर सकते हैं, और जिसमें वो अंदर हैं जैसे फंसे हुए हैं तो उनको भी उठा सकते हैं। तो सारी चीजें नीचे पीछे छूट जाएंगी और उस भगवान के प्रेम के एरोप्लेन में बैठ जाओ, हवाई जहाज में, और सिचुएशंस परिस्थितियां नीचे रह जाएंगी। और एक दूसरा एक कहावत है, सॉन्ग है कि एक दिन बादल बिखरेंगे। हाँ, बाबा उस को यूज कर रहे हैं कि बस याद रखो कि सब एक दिन ये जरूर बादल बिखरेंगे। Every single time Baba came, there was some sort of celebration going on or another. And Dedeko Marco was very keen on all of पूरा this. जब And of course, Muni कोई ना Baba कोई एक सेलिब्रेशन था, एक साल जब बाबा आए लगा started था, this अधिक कुमार का भवन को सबको, उनको बहुत अच्छा लगता था। मुन्नी बहन ने हमेशा ही सपोर्ट किया सब ऑर्गेनाइज करने में। अधिक कुमार का कोई एक थॉट आता और मुन्नी बहन, उसको साकार कर देती। तो ये समय था जब सीनियर भाई जो सेवा के लिए जो फाउंडेशन थे, नींव थे, जगदीश भाई, ब्रिजभुवन भाई, ये सभी लोग थे उसमें। तो ये समय था जो सिल्वर जुबली मनाई थी उनको, जैसे सम्मानित किया था। तो टीचर्स जो बाबा के साथ 25 साल से जो सेवा, तो उस समय तो बहुत ज्यादा बहने थी, उस समय 25 साल, 1950 के दशक में शुरू हुई ना वहां सेवा, तो बहुत ज्यादा थी, बहुत टीचर्स थी उस समय। बाबा का पॉइंट सेलिब्रेशन के बारे में था कि आप कौन हो, आपने क्या बाबा से क्या वादा किया है, वो याद करना है। आप अपने सारे पुराने संस्कारों को गुड बाय करने के लिए तैयार हो, लेकिन ये सिर्फ विदाई नहीं है, नई की बधाई भी है। और फोटोग्राफ आपके खींचा जा रहा है कि आपने ये वादा किया है। बहुत प्यारा पॉइंट बाबा ने कहा कि अगर लोग, क्योंकि बाबा ने कहा ना 14 दिसंबर था शायद, क्या ये 14 दिसंबर, अगले महीने की 14 को भी आप चेक करना, 14 को आप तैयार करना, आपने चार्ट चेक करना हर महीने, हर हर महीने की 14 को, कि व्यर्थ को समाप्त का बाबा ने बोला ना, व्यर्थ को, नेगेटिव को समाप्त करो। सब कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया,
लेकिन बाकी सबने हाथ उठाया। तो आपको लगता है जब सब उठा रहे हैं हमें भी उठाना पड़ेगा, लेकिन बाबा की कमेंट थी कि ठीक है ओके, अगर हाथ नहीं उठाए कोई बात नहीं। और वो अलग सिचुएशन थी, कोई बात नहीं बाबा आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन देंगे, बाबा ने कहा ना। बाबा ने ऐसे नहीं कहा आपके अंदर करेज क्यों नहीं, बाबा ने उनको डांट नहीं लगाई कि हाँ आपको एक्स्ट्रा ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। तो ये बाबा से एक्स्ट्रा मदद लेने का तरीका है इन सभी सेलिब्रेशन के लिए। हम कहते हम भी यहाँ पे, हम वहाँ सब बैठे हुए थे, हम भी बैठे हुए थे, मेरे सिर पर ताज था। कई बार शर्म सी भी आती है ऐसे, लेकिन दीदी कहते कि हमारे ऊपर भी वो सब डाला हुआ था, हार वार ताज। तो बाबा ने कहा नहीं, ये तो आपके स्वमान का एक तरह से यादगार है ना, आपको याद दिलवाया जा रहा है, तो इसीलिए सेलिब्रेशन है वो। तो बाबा ने कहा तो आप देखो अपनी ओर से आपको क्या करना है, ये मैसेज कि तीसरे नेत्र को उस खोल के रखना है सदा। ये समरी है। अरुणा बहन आप बताइए, अभी आप बोले। थैंक यू जयंती दीदी। जैसे आपने कहा ना, ये दुख दुख लेना, तो एक एक जैसे कि एक फाइन लाइन है, एक पतला एक लकीर है, किसी को इग्नोर करना और अपनी इज्जत को बचा के रखना। तो इसमें कैसे पता चलेगा अपने अपने मान, अपने स्वमान की रक्षा कर रहे हैं या उनसे जैसे इग्नोर कर रहे हैं? कुछ आप युक्ति बता सकते हो मैं कि अपने दिल को कैसे हील करें, दिल को कैसे इलाज करें? हम जानते हैं हम, पता है कि चलो वो बुरे नहीं है, उनका तरीका यही है, लेकिन दुख तो होता है ना अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है। तो खुद को कैसे बचाएं, अपने आप को क्या युक्ति यूज करें फिर दीदी, हम अपने दिल को हील करने के लिए, ताकि हम चल सके अपनी जिंदगी में। हाँ, बाबा ने एक एक्सप्रेशन यूज किया कि अगर कोई आपको दुख देता रहता है उसको अवॉइड कर, उनके मतलब उनके साथ ऐसे बातचीत नहीं करते रहो, इसका मतलब ये है इग्नोर करने का मतलब। उस समय बाबा ने वो अवॉइड शब्द यूज किया है इंग्लिश का। अगर हमारे पास, मेरे को जिम्मेवारी है, एक ग्रुप में हूँ मैं, एक लोगों के साथ हूँ, मैं ये नहीं कह सकते ओके मैं यहाँ पे नहीं, मैं जो भागना है यहाँ से, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, कम से कम इन बातचीत करें उस वहां पे, ताकि मैं अपने आप को बचा के रखूं। लेकिन ये टेम्परेरी बात है ना, कि बाबा के प्रेम को अपने दिल में महसूस कर सको, एहसास कर सको, ताकि बाबा का प्यार जो है उस दुख के को ठीक कर दे। एक जो इंसान जो है वो मुझे ठीक नहीं कर सकता, मनुष्य तो दुख देंगे, मनुष्य जो है वो दिल का इलाज नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, शरीर का कर सकते हैं, लेकिन दिल का इलाज है वो भगवान के प्रेम से ही संभव है। तो मुझे बहुत आत्मअभिमानी बनना है ताकि मैं भगवान के प्रेम का अनुभव कर सकूं। तो उससे मेरे अंदर एक नेगेटिविटी इकट्ठी इकट्ठी हो जाती है, मेरी फीलिंग्स, वो बाहर आएगी फिर,
और मेरा कर्म का काउंट, कर्मों का बंधन और बंध स्ट्रांग होता जाएगा। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया है ये कि अभी डील करो उसके साथ, बाद में करने के बजाय। हाँ, नहीं तो फिर वो बाबा कहते हैं ना कि यमराज यमदूत आएंगे, नहीं अंत में सब झेलना पड़ेगा। तो यही है वो यमदूत, अभी आज हम जिनके साथ डील कर रहे हैं ना, अभी खत्म करो ताकि वो आपको दुख ना दे। अगर उनको आप अभी सेटल नहीं करेंगे तो अपने सृष्टि चक्र के अंत से पहले तो अंत करना ही पड़ेगा उनका, हमें सेटल करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन आती है जो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो आ गई है, इसका मतलब वो कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए आई है। या तो वो मेरी तो ये तो या तो वो चीज मुझे सेटलमेंट में मदद करेगी, या फिर मैं और कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर दूंगी। अगर मुझे याद है कि ये इंसान जो है, हाँ इसके साथ मेरा कुछ कर्म का अकाउंट है, लेकिन मुझे करना क्या है कि बस सेटल करना है, बजाय कि लगातार उनके साथ बहस करके, व्यवहार ऐसा करके कर्मों के अकाउंट को और गहरा कर लो, उस इंसान के साथ भी सेटल करना है। जो रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, अंदर अगर दुख जमा है तो अंदर वो बहुत रूड भी होंगे हम, लेकिन अंदर एक अधैर्य भी होगा, इसलिए रिएक्ट करेंगे हम बार बार में। जितना मेरे अंदर ना फिर वो सहन शक्ति और कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी मेरे अंदर। ये जो कहते हैं ना कि दुख ना लो ना दुख दो, ये बहुत आसान दिखता है, लेकिन दुख ना दुख लो ना दुख दो, खुशी दो, बहुत बड़ी चीज है ये दुख नहीं लेना। अगर मैं ले रही हूं तो ऑटोमेटिकली फिर हम देंगे ही, तो इसीलिए मुझे ढूंढना पड़ेगा तरीका, ना केवल भगवान का प्यार लेकिन भगवान की शक्ति भी हमें मिल रही है। जो भी आपने अव्यक्त जो इशारे मिल रहे हैं, वरदान आ रहे हैं आजकल, कितने स्ट्रोंगली बाबा बोल रहे हैं कि एकाग्रता की बात बहुत आ रही है, फोकस फोकस करो, एकाग्रता करो, ये भगवान के साथ कनेक्टेड है ना, ताकि वो भगवान के साथ जब एकाग्रता से हम जुड़ते हैं, मैं आत्मा भगवान के साथ परमपिता के साथ जो स्रोत है, तो मैं बाबा से शक्ति लेती हूँ। यही एक केवल तरीका है जिससे मैं आंतरिक क्षमता को बढ़ा सकती हूँ, जो बातें आसपास आती हैं उनके साथ पार करने के लिए, जूझने के लिए, सामना करने के लिए। सुप्रीम जो टीचर है ना, वो मुझे चाहता है मैं पास हो जाऊं। हर एक टीचर चाहता है ना उनका स्टूडेंट पास हो और स्कॉलरशिप मिले, तो सुप्रीम टीचर भी यही चाहते हैं। सुप्रीम टीचर नहीं चाहते मैं फेल हो जाऊं, वो चाहते मैं पास हो जाऊं। तो मेरे सामने ड्रामा, बाबा थोड़ी टेस्ट हमारे सामने लेके आते, परीक्षाएं एग्जाम पेपर उन्होंने बाहर से आते हैं ना, एग्जाम पेपर तो बाहर से आते हैं, प्राइमरी और लोअर ग्रेड्स में होते हो, टीचर वहीं की वहीं बना देता है पेपर, लेकिन थोड़ा बड़े जाते हो बाहर से आता है पेपर, हायर लेवल में तो बाहर से आता है ना पेपर। तो ड्रामा जो है, ड्रामा पेपर बनाता है, मेरा टीचर जो है मुझे बताता है, मुझे इन सब पेपर्स को तैयार करने में मदद करता है ना, पास करने में। तो बाबा वो टीचर है और ड्रामा वो पेपर है, तो उससे मुझे वो शक्ति मिलती है बाबा से, उस चुनौती को पार करने की और सुरक्षित रहने की और उससे बाहर निकलने की, और ताकि मैं और अगले अगला कर्म कोई क्रिएट ना करूं। और हम अपने ही जो उस कर्मों से हम सीखें, और सच में छोटी छोटी जो जीत का अनुभव होता है उससे हम खुशी मिले। तो जो सारी चुनौतियां और टेस्ट हम पास करते जा रहे हैं, जो भी हमें अब तक
जो जीत हासिल हुई है उससे मुझे और शक्ति मिलती जाती है। इन छोटी छोटी चीजों में जब हम जीत हासिल कर लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते, अच्छा व्यवहार करते हैं, वो जीत जो है वो हमें और शक्ति देती है। जब हम अंत की तरफ जा रहे हैं ना, तो और एकदम से अंतिम घड़ियों की तरफ जा रहे हैं, तो सारे संस्कार ऐसे बाहर आ रहे हैं, सबके संस्कार बाहर आ रहे हैं, तो मुझे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हाँ वो आई है। हाँ लेकिन ये फोकस भगवान के साथ जो फोकस है ना, वो मुझे बहुत शक्ति देगा। देखते ना लोग कहते हैं बहुत सारे समय से मैं जानती हूँ, जो वो कहते हैं कईयों को मैं जानती हूँ बहुत सालों से जो उस ज्ञान में है। हम सब योग करते हैं लेकिन कैसे संस्कार कैसे नहीं बदले हैं, क्योंकि हमारा योग जो है अभी तक वो फोकस्ड नहीं मिला है, ऐसे नहीं हुआ है बिल्कुल पूरी तरह से हम एकाग्र हैं और बाबा की जो ऊर्जा है वो मेरे पास मेरे अंदर आ सके और रिचार्ज कर सके, जो फुल कर सके हर रोज, ताकि मैं फुल रहूं। ऐसी ऐसी हमारा योग नहीं है अभी तक। You're cutting for me. Maybe it's my internet. हम ये ट्राई करेंगे ऐसे वाला So योग। Jinmay, just a, this one's just a quickie, but is every difficult relationship a karmic? जयंती दीदी, Okay, now you are एक cutting जल्दी because से, earlier you weren't. But yes, क्या every difficult सारे मुश्किल संबंध relationship has कार्मिक some अकाउंट है sort क्या? of karma. Because why is it that I'm in a position हाँ, हर that's एक जो attracting मुश्किल संबंध में दिख रहा है वो me to कार्मिक अकाउंट others? ही है, I happen to be क्योंकि in that हम इस situation. पोजीशन में क्यों हैं And so it is a karmic thing. And कि और what भी I've 10 हैं learned लेकिन उसी is इंसान के to साथ क्यों ऐसा मुश्किल अनुभव understand हो रहा है, how to क्यों हम deal उनके साथ हैं? हाँ, with ये it. कार्मिक है। And I can laugh at it and not be bothered by it. Or I can react and have thoughts about why they're doing this, they shouldn't be doing it, they should know better. हाँ, And उसके so तरफ all हम of that मतलब हम उसको मजाक negativity में भी कर सकते हैं। drains me of energy. Okay. And maybe you could just वो सारा जो explain this रिएक्ट why, because है why जो do you हमारी have to be शक्ति को asking when खत्म कर often देता you है दूसरे always इंसान की become तरफ, जो मुश्किल fearless in your interactions with one another, कईयों ने पूछा why do you है, have ये to become जब fearless बाबा in ने mind? कहा आप एक दूसरे से निर्भय नहीं बनना, Sentence it माया means से निर्भय is बनना that है, तो इसका क्या मतलब है I दीदी? see how we have this feeling that well I have to tell them the truth. I don't उसने care what मुझे they भी think about it. जैसे I have to सोचने tell को them. मजबूर किया, So that's that sort of attitude in which I think I'm right. हम मुझे So इनको सच we have to बताना be है, this. It has to be मुझे like सबको this बताना है, because मुझे कुछ नहीं चिंता किसी की। I तो don't इस तरह का जो care वृत्ति है, what they एटीट्यूड, कि think. हाँ मैं ठीक This हूँ, is उनको where जानना है Baba saying, no, कि don't उन्हें think ऐसा that. क्यों नहीं किया, That's not ये सारी fearlessness. That's चीजें ना, just rudeness. And so if you want नहीं to share the ऐसा truth, व्यवहार नहीं करना, share it with love, with ये humility, निर्भय नहीं है, in ये the तो right किसी moment, के प्रति बुरा व्यवहार, बदतमीज ही है ये तो। not एक in a तरह से big reactive प्रेम state. से व्यवहार करो, So this is what I नम्रता mean. से I'm व्यवहार being करो, courageous, I'm being नहीं fearless. समय पे No, बताओ, it's not that. ऐसे रिएक्ट It's just रिएक्ट करके this, प्रतिक्रिया तेज ऐसे नहीं करो। where people react. It's नहीं, अगर आप basic ऐसे, kindness. ये निर्भयता नहीं है, You don't नहीं ये behave तो like that एक तरह abroad. से आपके अंदर अच्छी आदतों की Even कमी if है, you नहीं worked in Brahmin company, ये it तो is for the बहुत benefit. जो, जो ये तो बहुत ही And this एक attitude तरह से मेन shows बेसिक मैनर्स होते interest. हैं इंसान में, अच्छी If you're मैनर्स getting होती हैं, a आदतें salary, होती हैं, you have वो भी नहीं है ये perfect तो। behavior. And if you're out of line, लौकिक out. परिवारों में हो गए That's तो it. होता है ये, But at काम work, में क्या होता है, आपको अच्छा rude, and अच्छी that's नौकरी bad. मिलती है, पैसा मिलता है, If आप you're अच्छा rude, व्यवहार it करते pulls हो, you out. लेकिन घर पे, And so that लेकिन घर पे हम purity रूड हो जाते हैं, carries ये on with the तो Brahmin परिवार ही है ना, कोई companies. बात नहीं। We think it's ये okay, तो नहीं कहेंगे it's घर से बाहर acceptable, निकलो। तो ये जो, ये it's तो that family, आदत जो है ना, ब्राह्मण को साथ भी हो जाती है, हमें लगता है is the ठीक है ये most तो elevated परिवार ही family है ना। unit by God. नहीं, ये So डिवाइन I can फैमिली only है, ये imagine my mother ब्राह्मण परिवार है, and manners when that sort of ये behavior भगवान के would द्वारा come क्रिएट किया गया naturally. सबसे Love is not ऊंचा एक तरह violence, से but my कुल mother है। is proof of my yoga, तो हमारा is व्यवहार my कैसा होना behavior चाहिए हमारे with others ईश्वरीय in the परिवार के family, प्रति? but also out of the family. And
सिस्टर जयंती, व्हाट अ स्पिरिचुअली हेल्दी वेज व्यवहार इन हमारा व्हिच टू परिवार के मेंटेन साथ और आवर व्यवहार के बाउंड्रीज बाहर एंड बहुत अच्छा होना सिक्योरिटी चाहिए। लेवल्स. और सिस्टर बिकॉज़ देयर आर जयंती, आल्सो अनहेल्दी वेज ऑफ गोइंग टू वॉच द मूवीज और दीदी किस तरह से हमारे नॉट आउट ऑफ उमंग बोर्डम उत्साह एंड सो को या इज इट दैट ऊंचा रखें, या इज इट दूसरा कौन सा हो सकता है कॉन्स्टेंटली व्यवहार को डिनायल ऑफ अपने, पुटिंग द रियल जैसे एफर्ट, कि सर कई बार इज लगता है इट ना कि रियली कैसे अपने उमंग जस्ट उत्साह को बनाए रखें, कि मेरे बहुत जस्ट बोरिंग लगता मिस्टेक है, इन टू मेकिंग एफर्ट. आई या फिर थिंक क्या है सही तरीका के उमंग रीडिंग एंड उत्साह स्टडी द बना मूवी के रखने का, इज द फाउंडेशन या ऑफ फिल्म देखने जाएं या बीइंग क्या करें। एंथुसियास्टिक और गेटिंग बोर्ड, तो मैं, बिकॉज़ मुझे लगता है कि इन लॉक एंड जिस की तरीके से हम मुरली इफ यू पढ़ते डू हैं समथिंग रिपीटेडली फॉर अ पीरियड ऑफ वो टाइम सही, वो बताता है सिटिंग कि मुझे, बाय बोर्ड मैं एंड बोर लिसनिंग होंगी, टू या क्लास जैसे भी है, या इंस्टेड उमंग उत्साह यू रहेगा। माइट नॉट बी गोइंग टू द जैसे मूवीज लौकिक में भी बट कुछ वॉचिंग चीजें हम अगर मूवीज लगातार बट करते हैं, कई बार करते दैट्स करते जस्ट बोर हो गए, बोर हो गए, इट्स जस्ट रीडिंग हाँ एंड ठीक है लिसनिंग एंड तो दैट्स चलो इट, मूवी नहीं जाएंगे, स्टॉप. लेकिन क्या कुछ और यू करेंगे। कैन जब इवन मे बी रीड मुरली पढ़ टू रहे हैं टाइम्स तो थ्री टाइम्स क्या मैं सिर्फ ऐसे सुन रही हूँ, पढ़ वॉट रही हूँ यू आर बस, डूइंग इज हो गया? एक्सट्रैक्टिंग द जूल्स मे भी फ्रॉम दो द दो तीन मुरलीज, बार भी हम पढ़ते एक्सट्रैक्टिंग द होंगे, लेकिन पावर फ्रॉम द मुरलीज. हम क्या नहीं कर रहे हैं कि उसमें से इज इट कुछ दैट मुरली जो मुरली से, जो जैसे कि प्रेजेंटेंस इज शक्ति समथिंग नहीं ले रहे हैं आई मुरली नीड से टू ना। लुक एट वेरी केयरफुली एंड गो डीपर इनटू हर इट. एक अव्यक्त एंड मुरली, एज आई हर एक डू दैट द लाइन सेकंड जो आई है ऑल्सो उसको, बिकम कई अवेयर जो ऑफ उसमें देखना चाहिए क्या क्या बिकॉज़ कहाँ बाबा ने उस हर लाइन में गहराई में जाना है, और साकार मुरलियां भी कहाँ बाबा ने शुरुआत किया, ये क्यों बाबा ने फिर ये कहा, क्या क्या बोला बाबा ने, क्यों बोला बाबा ने। जब हम मुरली को हम उस दृष्टि से देखते हैं कि सब समझने की दृष्टि से, किस तरह से बाबा मुझे एक यात्रा से लेके, यात्रा की ओर लेके जा रहे हैं, जैसे ये बहुत अलग है। इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे बजाय कि सिर्फ पढ़ ली, और मेरी बुद्धि को मुरली के साथ एंगेज करके रखना है, बिजी रखना है, तो फिर उससे मुझे उमंग उत्साह, आप जब जान के को जानते हो, उनके साथ रहते हो, कहाँ से मिलता था उनको इतना उमंग उत्साह, तो सेवा भी नहीं थी, बहुत सब कुछ सेवा की होगी जो उनके साथ, जो कई उनके साथ, वो सेवा के बारे में कभी बात नहीं करती। शिव वो क्या शेयर करें, मैं ये मुरली पढ़ रही थी, मुझे ये याद आया, ये सीन याद आया, सेवा के बारे में नहीं बताएगी, लेकिन दादी बताएगी मुरली पढ़ते हुए कैसा एहसास हुआ, क्या क्या कुछ याद आया। और दो बार ही कि बाहर जाने, अगर समंदर होगा तो जरूर जाएगी, समंदर होगा भगवान की, उनकी याद आती थी, और कराची की उनको याद आती थी, और दूसरी बार तो जोहानिसबर्ग में ना एक जैसे सोने की खान थी, तो दादी ने कहा था हाँ मुझे वो देखने जाना है या समुद्र देखने जाना है, बस इन दो चीजों के अलावा कभी नहीं बोलती थी दादी। तो मतलब जा सकते थे, अब जा सकते थे, देख जाके, तो दादी वहां पे गई, वहां पे बहुत उनको देखना था कैसे वो, तो वो खुद एक जवाहरी की बेटी थी, तो वो देख देख चुकी थी पहले, तो वो देखना था उनको। तो दूसरा साइट सीइंग, कभी टाइम भी नहीं होता था, खैर अगर टाइम होता तो हमेशा समुन्द्र के पास जाते थे, रात के 10 बजे भी प्रोग्राम, हाँ वक्त, हाँ मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन दादी कहती नहीं समुन्द्र के पास जाने, जब उनका जो उमंग उत्साह मुरली के कारण होता था, अगर कोई कोई बोर हो जाते, मान लो ऐसा नहीं कि एक्साइटिंग ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि उनको कुछ एक्साइटमेंट मिल नहीं रही है भगवान की मुरली में, ऐसा नहीं एक्साइटमेंट कुछ है नहीं, उनको नहीं मिल रहा है, उनकी सोच को हमें देखना पड़ेगा। अगर अगर मुरली के गहराई में जाते हैं तो उससे हमें मिलता है।
प्रोजेक्ट है, जैसे प्रोजेक्ट सही नहीं आता जैसे आपने सोचा था, तो क्योंकि प्रोजेक्ट को कहीं ने सपोर्ट नहीं किया। कि प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड नहीं रहना। सिर्फ मुरली से ही मिलेगा अपने को। बाबा कहते हैं हमारे शरीर पे हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए साइलेंस के ऊपर। ब्रह्मा बाबा ने जरूर किया होगा अपने ऊपर साइलेंस की शक्ति का अनुभव। आपने कहा बहुत साल पहले अंत में कि लोगों को हमें फेस करना होगा वो डर, और उस इस तरह की जो सिचुएशन, जो अंत में जो डर का माहौल होगा, हमें बिल्कुल जैसे इनविजिबल बनना होगा। क्या प्रैक्टिस करनी है हमें जैसे कि प्रकाश स्वरूप बनने के लिए, क्या अभ्यास करें दीदी? दो बातें हैं जैसे आज बाबा जो कह रहे थे तो वो अवस्था जहाँ पे हम अपने शरीर को जैसे कि कहीं गए नहीं है आत्मा, लेकिन हमारा शरीर ही क्या है, प्रकाश में। तो मुझे शरीर मेरा प्रकाश का है, जैसे वो वस्त्र मैंने धारण किया प्रकाश का, जो इस देह विमान के, जो दुनिया इसको पीछे छोड़ के हम सूक्ष्म वतन में गए और उस फरिश्ता स्वरूप में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के सामने हम हैं, और उस चीज को अपने अंदर समाओ और फिर वापस आओ, और फिर उस वस्त्र का, प्रकाश के वस्त्र को जैसे मैं धारण करके वापस आई ऐसे। तो दूसरा, ब्रह्मा बाबा ने जो प्रैक्टिस की कि कैसे वो कोई आया है, कोई इनको उनको मारने के लिए आया था, और जो उनको सिर्फ बाबा को सिर्फ प्रकाश ही देखा ना, तो बाबा ने किया है वो सब प्रैक्टिस की है बाबा ने, कि सिर्फ प्रकाश का वस्त्र धारण करना। तो लेकिन दादी ने एक बार शेयर किया था कि अलग अलग हम अशरीरी अवस्था के अलग अलग उनका अव्यक्त अवस्था का वर्णन करते ना, बाबा दादी ने एक बार कहा कि शरीर यहाँ है लेकिन 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 आत्मा जो है मन में, जैसे कि थोड़ा सा दूर हो जाती है, शरीर को थोड़ा देखती है बाहर से, और बाबा से शक्तियां ले और शरीर को देती है, और शरीर को दे, जैसे आत्मा शरीर से थोड़ा बाहर जाके, थोड़ा दूर जाके, थोड़ा सा दूर, और ऊपर से बाबा से शक्ति ले और शरीर को दे। बाबा की उम्र 93 थी, बाबा कैसे सीधे बैठते थे, सीधी कमर, कोई पीछे कोई सपोर्ट नहीं होता था। हम सभी को चाहिए होता है कमर के पीठ का सहारे कुछ लगा के। बाबा तो अंतिम अवस्था तक बाबा वो पद्मासन में बैठते थे, जब ऑफिस में बाबा बैठते तभी वो संदली पे ही बैठते थे, चेयर भी यूज नहीं करते थे बाबा तो। संदली टाइप थी, ऐसे ऐसे उस पे ही बैठते थे बाबा, ना कि किसी कुर्सी पे, कभी चेयर पे बैठते थे लेकिन कभी कभी संदली पे ज्यादातर बैठते थे। खैर, कैसे किया बाबा ने उस डिटैच, कैसे डिटैच बाबा से, मुझे लाइट लाइट ली बाबा से और अपने शरीर को दिया, तो अपने शरीर को बाबा ने शक्ति दी। तो बाबा की भगवान जो है आत्मा को ही केवल प्योरीफाई नहीं कर रहे लेकिन शरीर को भी कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हम शरीर को, हम दुनिया को नहीं बदलेंगे, किसी इंसान को नहीं बदल सकते क्या? तो दूसरों को हम बल्कि परिवर्तन में मदद करनी चाहिए हमें। जैसे मैंने कहा था, लोटा मुझे शेयर कर रही थी हमने साथ की, जब यहाँ पे थी, तो जब जब माँ जो है बच्चों को देखती हूँ बाबा की आंखों में, जैसे एक न्यूरल कनेक्शन जैसे होता है बच्चों की, बच्चे
जैसे बाबा की आंखों में ही देखना, और तो उनका हम कुछ डीएनए शायद हम कैच कर सके और अपना अपना व्यवहार वैसा ही कर सके। थैंक यू जयंत दीदी। बिग रिट्रीट स्टार्ट हो रही है अभी 5 बजे। थैंक यू दीदी। दीदी भारत जाएंगी कुछ महीनों के लिए, तो हो सकता है वहां से हम मिले या फिर वापस आएंगे तब। थैंक यू दीदी। सभी को 18 जनवरी मुबारक हो। सब अपना अच्छी तरह से दृष्टि लेंगे दीदी से। ओम शांति। बाबा बाबा के पदक दिवस पे आप सभी को बहुत अच्छा अनुभव हो। ओम शांति। Oh.